नमस्कार साथियों, तो हम यहाँ के रहवासी है। यहाँ भक्ति पार्क में गार्डन है। ये गार्डन बहुत अच्छा ठीक ठाक था, बहुत अच्छी तरह से था, लेकिन गए कुछ दो तीन महीनों से यहाँ महानगर पालिका वो उनका वेस्ट कौन सा कचरा है वो पेड़ों का ये मुहाड़ का पूरा ले के आके यहाँ भक्ति पार्क गार्डन में डाला जाता है। इधर बच्चे कबड्डी खेला करते थे, ये जेसीबी से आके वो पूरा मैदान का सत्यानाश कर दिया, डंपिंग कर दिया, पूरा मैदान ढक डाला। ये बीएमसी में कौन से अथॉरिटी ने दिया कि इधर डालने के लिए? ये बच्चे लोग यहाँ खेले, यहाँ क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ कुछ बच्चे कबड्डी का खोखो उस तरफ खोखो खेला करते थे, लेकिन ये कचरा आने की वजह से पूरा उनका गेम बंद हो गया है, पूरा सत्यानाश हो गया। ये कोई बना देगा इसके बाद? नहीं बनाने देगा, क्योंकि बीएमसी सामान्य लोगों के लिए तो जल्दी काम करती नहीं है, ऐसा तो हमेशा देखने को है। प्रशासन ने ये करना चाहिए, यहाँ कुछ जो स्पोर्ट्स चल रहे थे स्पोर्ट्स के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए यहाँ झूले वगैरह वो लगाने वाले थे, लेकिन वो भी लगाए नहीं, उसके वजह से उनको ये खाली जगह देखिए और इधर लाके उन्होंने डंपिंग चालू करा। ये डंपिंग करना गलत बात है, किसी भी गार्डन में डंपिंग करना गलत बात है। गार्डन ये डंपिंग के लिए होता नहीं है, ये बीएमसी को भी मालूम है, लेकिन ये डंपिंग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो ये मैदान और कम छोटा हो जाएगा, तो ये मैदान छोटा हो जाएगा तो बच्चों लोग खेलेंगे कहाँ? ये भी सोचना चाहिए। मुंबई में अभी फिलहाल तो दो ही मैदान बचे हुए, एक शिवाजी पार्क और ये फिलहाल ये, और बाकी सब इधर उधर किसी को कोई एंट्री देता नहीं है। बीएमसी के गार्डन होके भी कोई किसी को एंट्री देता नहीं है, ऐसी बहुत जगह है। बच्चों की जो खेलने की जगह है यहाँ जो और बुजुर्ग आते हैं उनको जो है तो वो कम की जा रही है ये कचरे से, और ये कचरे में सांप भी पलते हैं। बाजू में जंगल है, उसमें आए सांप, अगर किसी बच्चे का बॉल यहाँ आए और इधर जाए वो ढूंढने जाए, अगर उसको किसी सांप ने काट लिया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? ये हमने लवंदे मैडम से ऑफिस वार्ड ऑफिसर से भी बात की, लेकिन उन्होंने जो सरकारी तरह के जो जवाब होते उन्होंने वैसे दिया कि मैंने सुपरवाइजर से बात की, वो मेरे सामने बैठे थे, वो बोले अभी हम उधर से उठाएंगे बोले तो अभी तक उठाया भी नहीं है। इस कंप्लेंट को करके कम से कम मेरे को 8-10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ से उठाना ही छोड़ो, उल्टा और भर भर के आ रहे हैं। हर दस आज छुट्टी के दिन भी आते, सैटरडे संडे भी आते, हर दर दिन उनका कचरा आना चालू है और ये भर गया। ये अच्छी खासी जगह थी वो पूरी भर दी है, और इससे मच्छर पलते हैं, इस मच्छर से डेंगू मलेरिया भी हो सकता है, किसी को काट लिया ये सब बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है मच्छरों से। तो हम मेरी इतनी दूर ख्वाहिश है कि ये जल्द से जल्द यहाँ से कचरा उठाइए और दूसरी जगह डालिए। ये बोल रहे हैं कि कुछ खाली जगह नहीं उनके डंपिंग के माहौल में किधर उनका है तो उधर नहीं है, इसलिए इधर ला के डाल रहे हैं। इन्होंने यही आंसर दिया बीएमसी वार्ड ऑफिसर लवंदे मैडम ने। बात कंप्लेंट नंबर है 161। अगर इतनी बार कंप्लेंट करने के बाद भी उठाया नहीं जा रहा है तो बीएमसी और कॉन्ट्रैक्टर इनकी मिली भगत ही है, कि जो ये बातें कंप्लेंट करने पर भी हम सही कर देते हैं, उल्टा और ज़्यादा गाड़ियाँ लगा लाल भर भर के इधर कचरा ला के डाल रहे हैं। मेरा नाम कबीर है और मैं जो है यहाँ पर रोज़ आता हूँ और यहाँ पर रोज़ जो है अपना वर्कआउट करने रनिंग करने आता हूँ, और यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है पेड़ों का और ये सब चीज़ों का, लकड़ियों का और ट्री ट्रिमिंग का सारा कचरा यहाँ पर लाकर डाल दिया जा रहा है। और ये भी है कि मुंबई में पहले से ही काफ़ी खेलों के मैदान कम है और अभी यहाँ पर और जो है यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है तो इससे और दिक्कत हो रही है। और पहले उस एरिया में जो है एक कबड्डी का मैदान हुआ करता था और अभी जो है वो मैदान भी जो है बंद हो गया है और यहाँ पर सारा कीचड़ आ रहा है, सब ट्रक्स के जो भी जा रहे हैं उनका जो है सारा टायर के निशान आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जब ये भक्ति पार्क गार्डन लोगों के लिए खुला हो गया आम लोगों के लिए, तो कुछ लोगों ने यहाँ डंपिंग के हिसाब से भंगार गाड़ियाँ यहाँ, कुछ लोग बोले बीएमसी ने डाला करके, वॉचमैन से पूछा तो वॉचमैन ने कहा कि ये बीएमसी ने इधर लाके रख रहे हैं, तो ये धीरे धीरे डंपिंग करना चालू हो गया फिर से। ये देखिए पीछे सब वो पेड़ कहाँ से काट काट के लेके आते हैं, वो पूरा डंपिंग किया जा रहा है। आपको जो डंपिंग ग्राउंड दिया है उधर ही जाके डालिए और लोगों को अच्छी सांस लेने के लिए जगह बनाए रखे, ये इतनी इच्छा है।